हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी रमज़ान सीरीज़ वीडियो चल रहे हैं और ये वीडियो नौ रमज़ान हो चुका है और हम आए थे मार्केट कुछ ग्रॉसरी करनी थी। ये प्लेट्स मुझे इतनी पसंद आ रही थी, दिल कर रहा था कि पूरा सेट खरीदूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, चीज़ कुछ और खरीदने आए थे। लेकिन इसको मैंने माइंड में रखा था कि ज़रूर ये वाली प्लेट्स बाय करेंगे, बहुत अच्छी थी। बस कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी यहाँ से, वो चीज़ें तो जो हम लेने आए थे वो हमें समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे जो है ना बाउल चाहिए थे रमज़ान के लिए, फ्रूट्स के लिए, दही पुलकियों के लिए, जो बहुत मज़े के हों, लेकिन वो तो बाय नहीं किया। लेकिन इब्राहिम ने ये ट्रे ज़रूर बाय कर ली। इसको देख के इब्राहिम कहते हैं मम्मा रमज़ान इज़ कमिंग। बस जी ग्रॉसरियाँ हो गई ख़त्म, अब गए हैं हम फ्रूट मार्केट, वहाँ पे फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पे वेजिटेबल आजकल बहुत महंगी हुई हैं और ख़ास करके ये मसाला, यहाँ पे धनिया को मसाला कहते हैं, धनिया पुदीना को, ये बहुत महंगा हुआ हुआ है और ये उतना ही ज़रूरी होता है चटनियों के लिए। बस जी वहाँ से ग्रॉसरी कर ली हमने, फ्रूट्स वगैरह ले लिए और अब आए हम मदरसे। मदरसे इसलिए आए थे कि हमें चाहिए था, आपको पता है रमज़ान में जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुरान पाक। दरअसल कुरान पाक मेरे पाकिस्तान में थे, यहाँ जब ट्रैवल भी किया तो छोटी मोटी सूरत यासीन वगैरह ये वाली बुक्स तो मैं ले आई थी, लेकिन प्रॉपर पूरा कुरान पाक नहीं था यहाँ पे। तो बस जी मैंने इब्राहिम के साथ अपने हस्बैंड को भेजा हुआ था कि जाएं और कुरान पाक बाय करने, तो दो कुरान मुबारक जो है हमने यहाँ से बाय किए और जो है इब्राहिम के मदरसे से। तो हमने कहा चलें जी रमज़ान तो पूरा हो गया ना, कुरान को बाय करने के बाद यहाँ होता है ना कि आपको दूसरी कंट्री में वो उस तरह से ईजिली चीज़ें प्रोवाइड हो जाएँ, तो वो बड़ी एक नेमत हो जाती है। बस कुरान पाक लेके घर पहुँचे, घर जब पहुँचे तो शामी कबाब ख़त्म हुए हुए थे। आपको पता है कभी सहरी में दिल नहीं करता कि बंदा ये खाए, सालन खाए, एग खाए, बस ये जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, बस मैंने भी मटन को और जो है चना दाल को चढ़ा दिया था साथ, थोड़ा सा उसके में साबित गरम मसाला डाल के, जब वो प्रॉपर जो है वो गल गया था, इस फॉर्म में आ गया था, तो बस इसमें नमक डाल के कबाब का मसाला लेकर आई थी शान का, वो डाला था, वो डाल के ना अब मैं इसको बीटर में मिक्स करूँगी आपके सामने ही। मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना कबाब आपको बना दूँ, मैं कैसे बनाती हूँ, बस जल्दी से बीटर में इसको मिक्स किया, बहुत ही आसान तरीके से कबाब बन जाते हैं। अब तो आप दोनों चीज़ों को साथ चढ़ा दें, वैसे लोग सेपरेट भी चढ़ाते हैं, लेकिन मैंने साथ चढ़ाए थे तब भी आसानी से कबाब बन गए थे। बस बीटर से उसको बीट कर लिया प्रॉपरली, इवनली सब बीट हो गया। उसके बाद बस उसमें मैंने जो है वो पैकेट डाला जो शान कर रहा है, वो डाला हरा धनिया पुदीना डाल के, और मैंने इसमें उसके बाद एग डाले, नमक चखिएगा, तो नमक जो है वो मैंने चखा अपने अंदाजे से ही डाला था, क्योंकि ज़ाहिर रोज़े में आप नमक नहीं चख सकते, बस तो जो है वो अंदाजे से डाला था। और उसके बाद जो है ये पूरा पैकेट डाल के और मैंने इसको अंडा डाल के और जो है जल्दी से इसको बनाया। अच्छा जब बीटर में मैं इसको बना रही थी ना तो बीटर बहुत गर्म हो रहा था, इसलिए मैंने फिर आखिर में मदद ली है इस चॉपर की, तो इस चॉपर में सही से मिक्स हो गया था और इस फॉर्म में आ गया था, बस मुझे जिस फॉर्म में चाहिए था। बस ये जल्दी जल्दी कबाब बनाए, कबाब बना के मैंने ट्रे में फिल करके फ्रीज़र में रख दिए, फिर जब ये फ्रीज़ हो गए थे तो हमने जो है वो जिप लॉक जो है वो बैग लेकर आए थे, जिप लॉक बैग में डाल के सारी चीज़ें रख दी। और जो मज़े की चीज़ थी, अब सारी जो वेजिटेबल्स लेकर आए थे उन सबको वॉश करना था, अपनी जगह पे रखना था, वो सारा कुछ किया। और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी हमने मज़े के पराठे बना के भी फ्रीज़ किए, वो भी आप देखे हैं, ये भी एक ऑप्शन। बस ये चले किचन में आगे, जो सारी ग्रॉसरी करके आए थे फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, सारे वन बाय वन वॉश किए, वॉश करने के बाद फ्रिज में उनको रखा, सारी वेजिटेबल्स को वॉश किया, क्योंकि यह पता है आपको इस तरह पड़ी रहती है तो ख़राब हो जाती हैं आधी चीज़ें। बस जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें निकाली, उन्हें वॉश किया और अपनी जगह पर रखा है। Thank you.
वेजिटेबल रोल का ये सामान सारा कट के ये मैंने तैयार किया था। वेजिटेबल रोल आपके साथ शेयर नहीं किए, बस वो बना के और रख दिए थे। और ये जो चीज़ें डन हो गई थी, फ्रीज़र में रखी थी, उनको अब जिप लॉक बैग में रख कर और मैं फ्रीज़र में रख रही थी। आ जाते हैं मेन जो मैंने जो रमज़ान के लिए प्रिपेयर किया है, ये बहुत हेल्पफुल होता है आपको। ये आटा गूंद के मैंने रखा था, कम से कम ये आटा आपने 2 घंटे के लिए गूंद के रखना है। मैदा है, आटा है, उसमें थोड़ा घी है, ऑयल है और थोड़ा नमक डाल के और हल्के हाथों से गूंदा है और उसे रख देना। ये बहुत सॉफ्ट गूंदता है, इस तरीके से पेड़े बना दिए थे। ये बहुत हेल्पफुल होता है रमज़ान में आपको, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपकी आँख नहीं खुलती, थोड़ा सा लेट उठते हैं आप, तो कम अज़ कम ये होता है कि उस दिन जो फ्रोज़न पराठे इस तरह फ्रीज़र में पड़े होते हैं, बस उसे निकाला, तवे को गर्म किया, ऑयल डाला उस पर और आपने उस तरीके से जो है ना निकाल के बना लिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे वो लोग जैसे अगर 2 लोग हैं 3 लोग हैं तो ये चीज़ें करके रख लेते हैं कि कभी अगर आँख नहीं खुली या कभी कोई प्रॉब्लम होती है, इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती, तो कुछ चीज़ें ऐसी डन हो ना कि अगर कुछ ना हो तो बंदा उसको यूज़ कर ले, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये हमने अभी भी बहुत सारे बना के जो है ना 10 10 10 करके और रखे हैं। मैंने जो उस दिन बनाए थे तो डिफरेंट तरीके से बनाए थे। आप क्या कीजिएगा, आप अगर बना रहे थे तो इसे बना के बीच में इसको आप बटर पेपर या कोई आप इसमें जो है ना बटर पेपर भी डाल के रख सकते हैं या कहीं और भी जिस तरीके से भी आपको इजी लगे कि साथ में ये चिपके ना। मैंने इस तरीके से करके ना सबको, ये बहुत केयरफुली कीजिएगा, समटाइम ये करने के साथ जिस तरह मैं तरीका कर रही हूँ जुड़ जाते हैं, ओपन नहीं होते। ये करके ना फिर थोड़ा मैंने बेलन से इनको थोड़ा सा बड़ा करके फिर तवे पर एक एक करके ना हल्का सा मैंने इनको जो है ना वो हाफ डन करके रखा है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो। आप इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह का कीजिएगा। बस ये इस वीडियो के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा रखिएगा। मुझे याद करना आपने क्या है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि डेली इस तरह की मेरी रूटीन डेली चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। दूसरा थोड़ा सा मोटिवेशन होती है ना कि आपको कोई सब्सक्राइब कर रहा है, लाइक कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है, तो और मज़ा आता है वीडियो बनाने में। बस अल्लाह करे आपका ये रमज़ान भी बाकी रमज़ानों की तरह बहुत अच्छा गुजरे, आइंदा के भी रमज़ान आपके बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरे। अल्लाह सेहत दे सबको, तंदुरुस्ती दे और घर में सबके जो है वो खैर और बरकत जो है वो कायम रखे। ठीक है जी, इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। एंड पे मैंने दिखाया इब्राहिम को, मैं स्टार और मून बनाना दिखा रही थी रमज़ान का, तो वो बहुत हैप्पी होता है इन चीज़ों से, तो वो थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया, वो भी देख लीजिएगा। बस इस वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।